सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट, दबाए बेल आइकन और पाएं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें सबसे पहले। मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सलमान खान की रेस की कास्टिंग की समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब ताजा सूत्रों की माने तो फिल्म के विलन की भूमिका के लिए आदित्य पांचोली को अप्रोच किया गया है। गौरतलब है कि पांचोली रेस 2 में भी विलन की भूमिका में दिखाई दिए थे और अब उनका नाम इस फिल्म के लिए भी सामने आ रहा है। आदित्य सलमान के काफी करीबी भी हैं और सलमान खान के होम प्रोडक्शंस हीरो में भी आदित्य पंचोली ही नेगेटिव भूमिका में दिखाई दिए थे। फिलहाल आदित्य पंचोली अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं और जिम जाकर वजन घटा रहे हैं। वहीं माना जा रहा है कि उन्होंने एक हफ्ते से सिगरेट भी नहीं पी है और वो सिगरेट छोड़ने का प्रण ले चुके हैं। हालांकि रेस 3 के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने इस खबर का खंडन करते हुए कहा है कि फिल्म में अभी केवल सलमान और जैकलीन ही फाइनल हुए हैं। वहीं फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा का कहना है कि फिल्म में केवल सलमान ही फाइनल हुए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।